Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रहा है चने का पुलाव और ये है देगी चना पुलाव जो मैं बना रही हूँ 25 लोगों के लिए। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 1 किलो चना जिसको मैंने रात भर बगैर सोडा लगाए भिगो के रख दिया और सुबह मैंने इसको बॉयल कर लिया। ये है मेरे पास बासमती चावल जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था। ये 3 किलो चावल है। इसके साथ मेरे पास है आधा किलो कुकिंग ऑयल और मसालों में मेरे पास जो चीज़ें हैं उनमें है सबसे पहले अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये है मेरे पास लहसुन का पेस्ट लेकिन मैंने लहसुन को पीसा नहीं है। लहसुन को मैंने पानी डाल के ग्राइंडर में पीस के उसका पानी यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास है टमाटर, 4 अदद टमाटर है, 3 डली प्याज है। ये तमाम खड़े मसाले हैं जिसके अंदर आपको ये कड़ी पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बादाम का फूल और ज़ीरा नज़र आ रहा है। ये है मेरे पास 10 चम्मच नमक के क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से जो मेरे चावल हैं वो हैं 12 ग्लास तो हम इस पर 10 चम्मच नमक के यूज़ करेंगे। जो अगर कमी हमें लगेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। ये 5 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है। ये मेरे तमाम मसाले जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची, 4-5 टुकड़े मैंने इसमें यूज़ किए आलू बुखारे के, 1 चम्मच काली मिर्ची है। उसके साथ मेरे पास 1 चम्मच इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरे का पाउडर है और तमाम खड़े मसाले जिसमें 4 काली इलायची, 7 इलायची हरी इलायची के दाने और जायफल का 1 टुकड़ा, जावित्री 1/2 चम्मच, बादाम का फूल 1। इन सबको लेके मैंने एक पेस्ट बना लिए, सॉरी मेरा कहने का मतलब है कि पाउडर बना लिया। तमाम मसालों खड़े मसालों को मैं पाउडर की सूरत में यूज़ करूँगी क्योंकि हमारे घर में खड़े मसाले ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते इस वजह से। ये मेरे पास 8 चम्मच दही के हैं। ये 1 लेमन का जूस है। ये 1 टुकड़ा जिंजर का है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया और साथ में थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की। ये मेरे पास 4 कलर है। ये मैं 2 तरह के 4 कलर यूज़ करूँगी क्योंकि ये देगी है तो इसलिए। ये जो 4 कलर है ये सैफ्रन येलो है और ये लेमन येलो है और ये जो है ये मेरा गर्म मसाला है पिसा हुआ और ये 3 टेबल स्पून है। माने रही मैं इसमें डालूंगी इतना ऑयल। पतीला मेरा इतना गर्म है कि ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया। साथ ही इसमें डालेंगे अपने प्याज। इसमें जो है हम तेजी रखेंगे। अपने प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने तक उनको फ्राई करेंगे। फिर अगर मान ले तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तमाम खड़े मसाले जाएंगे इसके अंदर। अब जरा सा हम इसमें पानी डालेंगे। मिर्ची के पेस्ट को बढ़ा डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे अपने टमाटर। जो हमारे लाल मिर्ची, काली मिर्ची और तमाम उसके पाउडर मसाले को बढ़ा लेंगे, साथ ही सूखा धनिया पाउडर और ये हमारा नमक। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। डालेंगे आज टाइम आपने हल्की नहीं रखी है, फुल आँच पे हम उनको भूनेंगे। हम इसमें डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ और जो मैंने गाजर काट के रखा था आधा मैं डालूंगी, आधा मैंने रखी है और साथ ही लहसुन का पाउडर मैंने, सॉरी
जो लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था वो तीन हम इसको रखेंगे, इसको पानी डालेंगे इसमें। मैंने हमारे तमाम मसालों के साथ हम भर रहे अब इस समय हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट के हिसाब से चावल जो है मेरे पास वो 12 ग्लास है, तो इसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने चावलों में पानी डाल दिया है, अब हम इसको कवर करके रखेंगे। जैसे ही हमारा पानी बॉइलिंग शुरू करेगा तो हम इसमें अपने चावल डालेंगे। पानी ने बॉइलिंग शुरू कर दी, मैं चावल डालने से पहले इसमें नमक टेस्ट करूँगी, अगर मुझे पीका लगा तो मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। तो नमक इसमें बिल्कुल ठीक है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसे चम्मच अब जो है दूसरा यूज़ करूँगी ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। चावल मैंने डाल दिए, अच्छे से हिलाएंगे। ये लेमन जूस जो मैंने आपको बताया था वो ऐड करेंगे स्टेज पे, और ये जो जिंजर मेरी बच गई थी वो अच्छे से हिलाएंगे। चावलों को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से चावल को ढकने का डर है। चावल थोड़ा पानी जब रह जाएगा तो तब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले हम इसमें दूध कलर अपना ऐड करेंगे। दो फूड कलर है, तो ये मेरे पास थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है वो भी मैं इसके ऊपर डालूंगी। मैं इसको दम लगाऊंगी तो दम के बाद आपको दिखाएंगे इसका आगे दम माशाल्लाह से। और चावल की देखिए कि चावल माशाल्लाह से आने का हो चुका है। मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी, बहुत ज़्यादा भी ये गर्म है, इसका हुआ जो है बर्दाश्त थोड़ा सा बाहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मैंने कर लिए अपने चावल डिशा, तो ये इनके फाइनल लुक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।